सो महापुरखां दा जिहड़ा जीवन सी संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी का बहुत वखरा जीवन सी। बहुत तितिक्षा कीती उन्होंने, बहुत कठिन घालणावां घालियां अपने जीवन दे विच। लाहौर शहर के अंदर एक डॉक्टर गुरमुख सिंह जी वसदे सी। माता पिता ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा मुख वाक लैके नाम तो गुरमुख सिंह ही रख्या सी, पर गुरु साहिब दी कृपा दे नाल लक्षण भी गुरमुखां वाली सी। अमृत वेले उठना, ठंडे पानी नाल इशनान करना, शब्द सुरती दा मेल करना, बाणी दा नितनेम भी पूरा रखना, और मरीजां नूं भी बड़े प्यार नाल तफ्तीश करनी, दवाई देनी। इन्हां दी दृष्टि अंदर कोई द्वेष नहीं सी। हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सारे इक्को ही सी, सारिआं दा चंगे ढंग नाल इलाज करदे, इन्ने प्यार नाल इलाज करदे भी मरीज इन्हां नाल बोलचाल करके ही अद्धा ठीक हो जांदा। दिल नूं खुश रखण वाले वचन करिआ करदे। परमात्मा ने डॉक्टर गुरमुख सिंह नूं हर पास्यों चंगा सौखा रखिया होया सी। आप जी दे घर तीन पुत्र सन, हरभजन सिंह, मनमोहन सिंह, ते सब तो छोटा सी जगजीत सिंह। जगजीत सिंह किसी समय बाबू जगत सिंह तहसीलदार दे चंगे गूढ़े मित्र बन गए। पहली बार जगजीत सिंह सरदार जगत सिंह दे नाल संत महाराज के दर्शन करने वास्ते डेरे आ गया। जो दर्शन किए बहुत प्रेम संतां दे नाल दा पै गया। संतां दे दर्शनां दे विच इक आकर्षण शक्ति सी, जो एक बारी दर्शन कर लैंदा सी बाबा ज्वाला सिंह साहिब दे, दर्शन करके छड्ड के जाना उहदे लई औखा हो जांदा सी। जे चलिया भी जावे तां बार बार मन दर्शनां लई तड़पदा रहिंदा सी वी हुण कदों जा के दर्शन। इसे तरह सरदार जगजीत सिंह सी, जो डॉक्टर गुरमुख सिंह का बेटा, दर्शन करके चलिया गया। बड़ी मुश्किल दे नाल 15 दिन लंघाए। इस नूं ये 15 दिन इदां लगन भी जिवें युग बीत गया हुंदा। शनिचरवार आया, कॉलेज तो ही गड्डी डेरे आउण वास्ते चढ़ बैठा। संतां दे दर्शनां वास्ते जिस वेले संतगढ़ डेरे हरखवाल आया, नमस्कार कीती, संतां ने हुक्म दिता भाई उठ के जल पानी छक। संतां ने भोजन वास्ते हुक्म कीता, फिर ही इन्हें भोजन छकिया। रात पई तां सारी रात संतां दी हजूरी विच बैठ के ही इन्हें कट्टी सुता ना। हुण संतां ने अपने मन की यह गल विचारी भी जे इस नौजवान के मन में ऐसी लगन लगी रही तो यह नौजवान डॉक्टरी दे विच उच्च विद्या हासिल नहीं कर सकता। संतां ने सवेर वेले जल पानी छकिया, इस नौजवान नूं भी छकाया। हुण संत महाराज का अंदर सी भी इहदे पिता जी चंगे डॉक्टर हन, जिहदे करके समाज नूं बड़ा लाभ हो रहा है, ते उहनां दा भी यह ख्याल है भी ये डॉक्टर बने ते बनना भी चाहिए है, पर जे इस तरह ये साढ़े कोल ही रहा तो फिर ये पढ़ाई नहीं कर सके। फिर संत अपने रोज के नियम अनुसार बाहर नूं टहलण तुर पए। ये नौजवान भी संतां दे पिछे पिछे तुर पिया। संत उस समय इकले ही बाहर विचरण वास्ते जांदे हुंदे सी। अज ये नौजवान संतां नाल चल पिया। संतां ने एक दो वारी इहनूं कहा भी काका तूं डेरे ही रह, साडे नाल तेरा जाना औखा है, असीं 2 घंटे बाद आ जाणा। पर ये नवा नवा प्रेमी बनिया सी संतां दा, कहिंदा मैं तां महाराज नाल ही जाणा। उस समय संत महाराज नंगे पैरी जांदे हुंदे सी, भावें सर्दी होवे भावें गर्मी होवे, और जेठ दा महीना अजे शुरू ही होया सी जदों दी ये वार्ता। संतां दी आदत ये सी कि सीधे जाणा, चाहे कंडे होण, चाहे किसी की खेती बीजी हुई होवे, चाहे कमार दे विच लंघना पै जाए, संत महाराज सीधे जांदे सी जिन्ना भी जाणा सी। इस वेले अज संत महाराज बरसाती नदी चो वल नूं तुर पए, बड़ा संघना जंगल और भखड़े आदिक दे कंडे सी उधर। संत महाराज अपनी बेपरवाही दी अवस्था विच तुरे जा रहे सी।
उस अवस्था दे विच कंडे चुपण दा कोई पता नहीं लगता। पर ये हुण नवा नौजवान जिहड़ा आया सी, ये अमीर घर दा बच्चा जिसनों दे अध्यास सी, कंडा लगन ते बड़ा भारी दुख लगता सी, इसनूं कदे भी नंगे पैरी नहीं सी तुरिया, संतां दे नाल हुण इहनूं नंगे पैरी तुरना पै गया। थोड़ा चिर तां इह तुरिया औखा सौखा हो के, थोड़ी दूर जाके संतां दे सानमुख हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, रोण लगा, कहिंदा महाराज इन्नी कठिनाई मैं तां नहीं सहार सकदा। संत कहिंदे बेटा असी तां तुहानूं तुरन लग्यां नूं वरजिआ सी वी साडे नाल ना जा, साडे नाल ना तुर, तुरना औखा होवेगा, तैं ही हठ कीता सी वी जाणा है, तूं हजे वी मुड़ जा, असी दो तीन घंटे बाद डेरे आ जांगे। हुण जगजीत सिंह नौजवान इत्थों वापस डेरे आ गया, डेरे आ के लगा सोचा करन वी जे इहनूं फकीरी कहिंदे आ तां मेरे वास्ते तां फकीर बणना बहुत औखा, इह दुख मैं तां झल नहीं सकदा। हुण संत महाराज जीआं दा उसनूं लिजाण तों भाव वी इही सी वी इहनूं पता लग जाए, क्योंकि जद कच्ची बिरती वाला बंदा इस पासे नूं तुर पैंदा उहनूं नहीं पता हुंदा वी आउण वाले समें दे विच इस फकीरी बाणे विच किन्ने दुख कष्ट तकलीफां झलणियां पै सकदियां। ते जे कोई कच्ची बिरती वाला तुर पवे, बाणा पा लवे, पहरावा धारण कर लवे, ते दुखां नूं देख के घबरा के फिर पिछे मुड़ आवे, ते फकीरी बाणे नूं लाज लगदी है, कोई चंगी बात नहीं हुंदी। इस करके संत महाराज चाहुंदे सी कि जिहड़े तरीके नाल इहदे पिता जी समाज की सेवा कर रहे आ डाक्टरी दे तरीके नाल, वह भी तो एक चंगा काम है, समाज का भला, फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माने, ये संसार किहदा रूप है, परमात्मा का ही है।